सो हेलो स्टूडेंट्स, सो अगेन माई सेल्फ नरेंद्र कुमार फ्रॉम विद्यामंदिर क्लासेस, और ये जो वीडियो नंबर 5 है इसमें जेई 2007 टू 2018 के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो क्वेश्चंस हैं उनका एनालिसिस हम कर रहे हैं। 2014 तक के क्वेश्चंस का ऑलरेडी जो है वीडियो नंबर 4 में मैं कर चुका हूँ, पार्ट 4 में। तो आप देखिए, आपकी स्क्रीन पे एक क्वेश्चन नज़र आएगा। सो नंबर ऑफ रेजोनेंट स्ट्रक्चर्स फॉर एन इज, ये प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, इसके 9 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स जो है वो आते हैं। तो आंसर आप देख सकते हैं, इसके 9 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं। नाउ द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज, ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 2015 पेपर 1 से ही है। मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज हमें फाइंड आउट करना है। तो इस क्वेश्चन को अगर आप देखेंगे तो एक डाई कार्बोनिल कंपाउंड है, और इस डाई कार्बोनिल कंपाउंड को एक्वस KOH के साथ हम रिएक्ट करा रहे हैं, और फिर उसको एसिडिफाई करके हीट किया जा रहा है। तो डाई कार्बोनिल कंपाउंड को एक्वस KOH के साथ अगर हम ट्रीट करेंगे तो क्या बन जाएगा? राइट, इंट्रामोलिकुलर एल्डोल कंडेंसेशन होगा, और इंट्रामोलिकुलर एल्डोल कंडेंसेशन का जो प्रोडक्ट होता है हमारा वो एक अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड होता है। अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड, सो अल्फा और बीटा पोजीशन पे अनसेचुरेशन होना चाहिए। तो अगर आप इस चीज़ को चेक करते हो कि अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड कहाँ पे बन रहा है, क्या बन रहा है, ठीक है, तो देखिए ये हमारे पास में कार्बोनिल कंपाउंड है और ये अल्फा पोजीशंस हैं, ठीक है, और इसकी जो नेक्स्ट पोजीशन है ये बीटा पोजीशन है। तो एक तो ये जो भी हमारा सिंपल सा एनालिसिस है, अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड बनना चाहिए, इंट्रामोलिकुलर एल्डोल कंडेंसेशन हीट भी कर रहे हैं, तो ये उसके अकॉर्डिंग ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है। इसको अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे कहीं पे भी अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कार्बोनिल, ये एक अनसेचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड है बट नॉट अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड, क्योंकि यही कार्बन जो है वो अल्फा पोजीशन पर प्लेस्ड है। दूसरा यहाँ पे देखेंगे तो इसको अगर आप चेक करेंगे तो ये भी अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड नहीं है, ठीक है, इसको अगर आप चेक करेंगे तो ये एक अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड है, लेकिन यहाँ पे अब अगर हम देखते हैं तो ये एक 4 मेंबर रिंग बनी है, बड़ा स्ट्रेन तरीके से बना हुआ होगा ये इस चीज़ के लिए। तो ये ऑप्शन ए और डी हमारा अप्रोप्रिएट आंसर हो सकता है, बट इसमें से एक हमें चूज करना है मेजर प्रोडक्ट की तरह, तो दैट इज़ ओनली ए एक्सपेक्टेड आंसर इसका, जो मेरे हिसाब से वो है वो ए आंसर है। तो अब हम एनालाइज कर लेते हैं कि बाकी सब क्या है, कैसे बन रहा है इसमें। तो ये जो हमारे पास में एक कार्बोनिल कंपाउंड है, डाई कार्बोनिल कंपाउंड, यहाँ पे ये सी डबल बॉन्ड ओ प्लेस्ड है, ये CH2, ये CH2, और यहाँ पर ये हमारे पास में CH2 सी डबल बॉन्ड ओ, एंड देन ये जो है आ गया हमारे पास में CH3। तो मैं इसको ऐसे बना लेता हूँ कि यहाँ पे हमने ये बना लिया CH3 और ये बन गया हमारा सी डबल बॉन्ड ओ, CH3 के साथ में एक CH2 भी है, सॉरी, तो CH3 के साथ में एक CH2 भी है, और ये जो है प्रोडक्ट बन गया। अब इसको अगर हम देखेंगे तो ये जो हमारा कार्बन है वो अल्फा कार्बन हो गया, इंट्रामोलिकुलर एल्डोल कंडेंसेशन के लिए ये अल्फा कार्बन एटम हो गया, और ये हमारा सी डबल बॉन्ड ओ होगा। तो यहाँ से 1, 2, 3, 4, 5, 6 मेंबर रिंग बन सकती है, H+ निकलेगा, कार्बेनाइन बनेगा, वो यहाँ पे अटैक करेगा, एल्कोहल बनेगा, और रिएक्शन जो है प्रोसीड कर जाएगी। तो इसको जब हम एक्वस KOH के साथ रिएक्ट कराएंगे तो जो प्रोडक्ट बनेगा उसका स्ट्रक्चर मैं डायरेक्टली ड्रॉ कर देता हूँ। तो उसका स्ट्रक्चर जो है सिंपल सा क्लियरली नज़र आ रहा है, क्या होगा कि ये सी डबल बॉन्ड ओ रहेगा, यहाँ पे ये हमारा CH3 था, और ये अब बन गया है OH। आप सोच रहे होंगे कि बाकी के जो स्ट्रक्चर्स हैं वो क्यों बनाए गए हैं क्वेश्चन के अंदर, ठीक है, तो वो इसलिए बनाए गए हैं कि अब इसको जब हम H+ आयन के साथ हीट करेंगे तो इलिमिनेशन हो जाएगा। तो अब इलिमिनेशन के लिए एक ये हाइड्रोजन एटम है, इलिमिनेशन के लिए एक ये हाइड्रोजन एटम है, और इलिमिनेशन के लिए एक हाइड्रोजन एटम है। तो यहाँ पे हमारे पास में ये वाला जो हाइड्रोजन एटम है इस OH के साथ इजीली इलिमिनेट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो रिएक्शन है वो एक मल्टीपल बॉन्ड क्रिएट कर रही है, और ये मल्टीपल बॉन्ड जो है वो एग्जिस्टिंग मल्टीपल बॉन्ड के कॉन्जुगेशन में बनना प्रेफर करेगा। तो उसके कॉन्जुगेशन में जब बनेगा तो ज़्यादा स्टेबल प्रोडक्ट प्रोड्यूस होगा। सो दैट्स वाई आंसर जो है वो ए आना चाहिए। दूसरा, यहाँ पे जो एक 4 मेंबर्ड प्रोडक्ट जो बनाया गया है वो बेसिकली इस अल्फा कार्बन को यूज करके बनाया गया है। ये वाला जो हमारा अल्फा कार्बन एटम है, इसका अगर अटैक यहाँ पे होता है और ये बाहर जाता है तो फिर 1, 2, 3 एंड ये ऐसे 4 मेंबर्ड रिंग प्रोड्यूस होगी।
और उस फोर मेंबर रिंग के साथ में यहाँ पे सीधा सीधा हम डायल डबल बॉन्ड बना लेते हैं और ये उसके साथ अटैच्ड रहेगा, सी डबल बॉन्ड सी एस टू सी एस थ्री ग्रुप अटैच रहेगा। तो ये यहाँ पे हमें एक फोर मेंबर रिंग बना लेनी है और ये फोर मेंबर रिंग जो बनेगी हमारे पास में इस से डबल बॉन्ड तो बनेगा नहीं डायरेक्टली, ये सिंगल बॉन्ड ही बनेगा यहाँ पे, और ये यहाँ पे जो है सी एस टू सी एस थ्री लगा रहेगा और इसके पास में ये OH आ जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पे तो हाइड्रोजन ही नहीं है तो इसलिए यहाँ पे जो है एलिमिनेशन नहीं हो सकता है। एलिमिनेशन जो है अब यहाँ से इन्होंने एलिमिनेशन किया है, ये या तो यहाँ से होगा या फिर यहाँ से होगा। तो ये जो है नेक्स्ट स्टेप को आप देखेंगे H प्लस के साथ हीट करने से ये इस टाइप से प्रोडक्ट बनेगा। सो दिस इज माइनर प्रोडक्ट। एक और माइनर प्रोडक्ट हम सोच सकते हैं कि यहां पे ये वाला जो हमारा अल्फा कार्बन है इसका जो है यहां पर अटैक हो गया, सो 1 2 3 4 मेंबर रिंग यहां से भी बन सकती है इस चीज के लिए यहां पे, और यहां पे तो कंप्लीटली एक डबल बॉन्ड का भी फॉर्मेशन हो सकता है। तो ये एक और माइनर प्रोडक्ट अगर हम देखेंगे तो ये यहाँ पे आ गया सी डबल बॉन्ड, यहाँ पे ये फोर मेंबर रिंग बन गई डायरेक्टली, इजीली फोर मेंबर रिंग बन रही है, डबल बॉन्ड भी बन जाएगा इसके अंदर आफ्टर एलिमिनेशन, मतलब दो स्टेप मैंने एक साथ कर दिए, ठीक है। और फिर ये वाला जो कार्बन होगा हमारे पास में इसमें सी डबल बॉन्ड ओ सी एस टू सी एस थ्री प्लेस्ड रहेगा। तो एक ऐसा ऑप्शन भी इन्होंने बनाया है यहाँ पे सी डबल बॉन्ड ओ सी एस टू सी एस थ्री। तो बट एनी वे हमारा आंसर जो है वो ए ही होगा, इसका एनालिसिस मैंने पहले ही कर लिया है, बस जस्ट एक्सप्लेन करने के लिए मैंने इसमें कुछ और इनपुट्स दे दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन सजेस्ट कर रहा है स्ट्रक्चर ऑफ डी प्लस ग्लूकोज इज एज गिवन इन क्वेश्चन, द स्ट्रक्चर ऑफ एल माइनस ग्लूकोज इज, एल माइनस ग्लूकोज इज एग्जैक्टली मिरर इमेज ऑफ डी प्लस ग्लूकोज। तो मिरर इमेज के अंदर आप देखिए कि ये जो हमारे पास में काइरल कार्बन एटम है जितने भी, इन सबका कॉन्फ़िगरेशन जो है वो चेंज हो जाएगा, सबका कॉन्फ़िगरेशन चेंज कर देना यहाँ पे। तो सेकंड कार्बन पे जो OH है वो लेफ्ट हैंड साइड में होना चाहिए, थर्ड का राइट हैंड साइड में होना चाहिए और फोर्थ एंड फिफ्थ का जो है अगेन लेफ्ट हैंड साइड में आ जाना चाहिए। तो ये हमें जो नज़र आ रहा है, देखिए आप किसके अंदर नज़र आ रहा है, ये जो है ऑप्शन ए में नज़र आ रहा है क्लियरली। सो इसका आंसर ऑप्शन ए होना चाहिए एंड दैट इज़ दी ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन इस, ये एक आपके पास में अमीनो एसिड आ गया, इसको NaNO2 एंड एक्वस HCl के साथ रिएक्ट करा रहे, 0 डिग्री सेल्सियस पे रिएक्शन हो रही है। तो ये एक हमारे पास में अमीनो एसिड आ गया है तो इसको NaNO2 एंड HCl के साथ रिएक्ट कराएंगे तो क्या होगा। तो ये जो है एलिफैटिक अमीन है, एलिफैटिक प्राइमरी अमीन है। सो ये एलिफैटिक प्राइमरी अमीन जब रिएक्ट करेगा NaNO2 और एक्वस HCl के साथ में तो डाइएजोनियम आयन में कन्वर्ट हो जाएगा ये। सो दिस इज N ट्रिपल बॉन्ड N प्लस और ये हमारे पास में यहां पे कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो प्लेस्ड है। सो अब ये जो ग्रुप यहां पे हमारे पास में लगा हुआ है ये एक गुड लिविंग ग्रुप है, और ये जो ऑक्सीजन है यहाँ पे ये न्यूक्लियोफिलिक ऑक्सीजन एटम है, और इनके अंदर भी अगर हम इसको देखेंगे तो ये जो है वो मोर न्यूक्लियोफिलिक है। तो यहां पे जो है बेसिकली एक रिएक्शन हो सकती है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, दैट इज NGP नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन रिएक्शन मैकेनिज्म से हो सकती है। तो किसी भी सब्सट्रेट में अगर एक गुड लिविंग ग्रुप है और उस गुड लिविंग ग्रुप की बीटा पोजीशन पर कोई एक एटम विथ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर है तो फिर हमेशा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जो है वो नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन रिएक्शन मैकेनिज्म से प्रोसीड कर सकती है। और नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन रिएक्शन मैकेनिज्म में बेसिकली टू सक्सेसिव SN2 स्टेप्स होते हैं। फर्स्ट SN2 जो होगा वो इंट्रामोलिकुलर होगा और सेकंड SN2 जो होगा वो इंटरमोलिकुलर होगा। तो एक काइरल कार्बन पर दो सक्सेसिव SN2 अटैक कराएंगे तो ओवरऑल उसका जो कॉन्फ़िगरेशन है वो रिटेन रहेगा। और इस रिएक्शन के अंदर यू नो दैट जो न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा वो वाटर ही होगा, एक्वस HCl के अंदर तो बेस्ट न्यूक्लियोफिलिक। तो इसका आंसर जो है हमारा हम कहेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन से रिएक्शन प्रोसीड कर रही है, NH2 जो है वो अल्कोहल में कन्वर्ट है। इट्स वेल नोन मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल फ्रॉम प्राइमरी अमीन।
तो ये जो हमारे पास में एल्कोहल्स जो है वो सारे ही एल्कोहल है, तो ऑप्शन डी तो वैसे ही रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बस अब हमें कॉन्फ़िगरेशन वाइज चूज करना है कि ये क्या होगा। तो कॉन्फ़िगरेशन नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन मैकेनिज्म से प्रोसीड कर रहा है, इसलिए यहाँ पे ये बेसिकली रिटेंशन इन कॉन्फ़िगरेशन हम चेक करेंगे। रिटेंशन इन कॉन्फ़िगरेशन विल बी प्रेफर्ड प्रोडक्ट, तो आंसर सी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, क्योंकि इसमें रिटेंशन इन कॉन्फ़िगरेशन है। सो दिस इज आंसर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज द नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स इन क्यू इज, तो हमें क्यू का स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई करना होगा और फिर इसमें काउंट करना होगा नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स कितने। तो स्टार्टिंग रिएक्टेंट बेसिकली एक सेकेंडरी एल्कोहल विद ब्रांचिंग ऑन बीटा कार्बोनेटम है, तो इसको H+ के साथ हीट करेंगे, तो किसी एल्कोहल को H+ के साथ हीट करेंगे तो उसका डिहाइड्रेशन हो जाएगा, और फिर इस पे ये जो एक डबल बॉन्ड ऑलरेडी है एक डबल बॉन्ड और बन जाएगा, फिर एक्वस डाइल्यूट कैमिनोफोर के साथ रिएक्ट करा रहे हैं, तो क्लियरली नज़र आ रहा है कि एक डबल बॉन्ड ऑलरेडी था, एक डबल बॉन्ड और बन जाएगा, तो ये एक डाइन टाइप की बन जाएगी, और उस डाइन को एक्सेस ऑफ एक्वस डाइल्यूट कैमिनोफोर के साथ रिएक्ट कराएंगे तो ग्लाइकॉल्स प्रोड्यूस हो जाएंगे, ठीक है। दोनों डबल बॉन्ड से ग्लाइकोल बन जाएगा, एक्सेस में यहाँ पे कोई प्रेफरेंस नहीं होगी, तो इसका मतलब ऑल टुगेदर फोर हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स होने चाहिए, क्योंकि एक डाइन को एक्सेस ऑफ डाइल्यूट एक्वस कैमिनोफोर के साथ रिएक्ट करा रहे हैं। तो ये स्टार्टिंग पॉइंट क्या है उसको जस्ट चेक कर लेते हैं। तो ये हमारे पास में एक सेकेंडरी एल्कोहल था। स्टीरियोकेमिस्ट्री यहाँ पे सच कोई उसकी इंपॉर्टेंस नहीं है रिएक्शन के अंदर, जस्ट ऐसे ही ड्रॉ किया हुआ है। तो H+ के साथ हीट करने से क्या होगा, तो ये H+ के साथ हीट करने से हमारा जो वाटर है वो एलिमिनेट हो जाएगा OH प्रोटोनेट होकर के, और ये H+ के साथ हमने ट्रीट किया, प्रोटोनेशन हुआ और प्रोटोनेशन से फिर वाटर का लॉस हो गया, तो ये यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब इसके अंदर रीअरेंजमेंट हो जाएगा, सो रीअरेंजमेंट में ये मिथाइल शिफ्ट हो गया, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आ गया। अब हम हीट कर रहे हैं, तो हीट करने से ये डी प्रोटोनेट हो जाएगा, और डी प्रोटोनेशन से हम ये कह सकते हैं कि डबल बॉन्ड हमारा यहीं बनेगा, वहाँ नहीं बनेगा। मोर सब्सिट्यूटेड एल्किन सेटजप्स प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग, कोई कॉन्जुगेशन तो डेवलप यहाँ पर हो ही नहीं रहा है, ये आ गया। अब इसको कोल्ड एल्कलाइन कैमेनोफोर के साथ अगर हम रिएक्ट कराएंगे एक्सेस में, तो ये जो दोनों डबल बॉन्ड है इनका हाइड्रोक्सिलेशन हो जाएगा, दोनों डबल बॉन्ड का हाइड्रोक्सिलेशन हो जाएगा यहाँ पे कोल्ड डाइल्यूट कैमिनोफोर। सिन हाइड्रोक्सिलेशन होता है, करेक्ट। तो ये यहाँ पे OH OH प्लेस हो गया, और यहाँ पे भी OH एंड OH का अटैक हो जाएगा, तो ये जो प्रोडक्ट हमारा बन रहा है Q उसमें टोटल फोर हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, 1, 2, 3 एंड 4, तो नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स आर 4, सो आंसर इज 4। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज इन द फॉलोइंग रिएक्शंस द प्रोडक्ट एस इज, सो एक डाई एक एल्कीन है एरोमेटिक, ओजोन का साथ रिएक्शन हो रहा है इसका, आर बन रहा है और आर को अमोनिया के साथ रिएक्ट करा रहे हैं। तो देखिए किसी भी कंपाउंड में बेंजीन रिंग है और साइड चेन में जो है डबल बॉन्ड है, तो फिर बेंजीन रिंग के जो डबल बॉन्ड है वो ओजोनोलाइज्ड नहीं होंगे। तो यहाँ पे क्लियरली हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा उसके अंदर सिर्फ हम साइड चेन का जो डबल बॉन्ड है उसका ओजोनोलिसिस करेंगे, सिर्फ साइड चेन का डबल बॉन्ड ओजोनोलाइज्ड होगा। सो दिस इज द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ दिस स्टार्टिंग कंपाउंड। अब ये इसका रिडक्टिव ओजोनोलिसिस हो रहा है, तो ये यहाँ से ब्रेक हो गया है, और इस रिडक्टिव ओजोनोलिसिस से जो प्रोडक्ट बन रहा है वो एक डाई कार्बोनिल कंपाउंड प्रोड्यूस हो रहा है। ये यहाँ पे एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप आ गया, ये CH2 और एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप। अब इस डाई कार्बोनिल कंपाउंड को अमोनिया के साथ हम रिएक्ट करा रहे हैं, तो ये अमोनिया एंड अमोनिया डेरिवेटिव टाइप की जो रिएक्शन होती है वो रिएक्शन होने लगेगी। इस रिएक्शन के अंदर हम कह सकते हैं कि हमारा जो एलिफेटिक एल्डिहाइड है दैट इज मोर रिएक्टिव फॉर न्यूक्लियोफिलिक अटैक, तो पहले ये यहाँ पे अटैक कर जाएगा, और इसके अटैक करने से और अमोनिया डेरिवेटिव या अमोनिया के साथ जो रिएक्शन होती है वो एडिशन फॉलोड बाय एलिमिनेशन टाइप की रिएक्शन होती है, तो इस कार्बन पे अटैक हो गया है, ये आ गया हमारा NH2 और ये OH आ गया।
अब ये जो है वो एक टाइप का अमोनिया डेरिवेटिव बन गया। अब ये इस एलिफेटिक एरोमेटिक एल्डिहाइड के साथ रिएक्ट कर जाएगा। पहले एलिफेटिक एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन हो गई थी। एलिफेटिक एल्डिहाइड आर मोर रिएक्टिव देन एरोमेटिक एल्डिहाइड फॉर न्यूक्लियोफिलिक अटैक। सो ये जो एक रिंग बन रही है 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। सो ये हम सिक्स मेंबर्ड रिंग बना लेंगे और इस सिक्स मेंबर्ड रिंग में यहाँ पे ये हमारा जो है वो OH ग्रुप प्लेस्ड होगा। अब इलिमिनेशन वाला पार्ट होगा। सो देर इज ए लॉस ऑफ टू वाटर मॉलिक्यूल। एक तो ये यहाँ से इसके लिए हो जाएगा और एक यहाँ से इसके लिए हो जाएगा और ये जो कंपाउंड है वो इजीली डिहाइड्रेट हो जाएगा ड्यू टू दी एरोमेटाइजेशन। सो दिस इज दी फाइनल प्रोडक्ट एस। सो दैट इज गिवन इन ऑप्शन ए। The product S is given in option A. So answer is option A. Now next question: among the following, the number of reactions that produce benzaldehyde. Benzaldehyde किस किस reactions में produce होगा ये हमें find out करना। तो ये तो easily orally हो जाएगा। So किसी भी aromatic compound को अगर हम carbon monoxide और HCl के साथ अगर react कराते हैं तो formylation हो जाता है और formylation होने से benzene ring पर एक जो है basically aldehyde group produce हो जाता है। सो फर्स्ट रिएक्शन जो है इसमें हमारा बेंजल्डिहाइड बनेगा ही बनेगा। फर्स्ट रिएक्शन करेक्ट है, बेंजल्डिहाइड बनेगा। सेकंड रिएक्शन में अगर हम देखेंगे तो ये एक टर्मिनल जैम डाइहैलाइड है। टर्मिनल जैम डाइहैलाइड को हम वाटर के साथ 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉईल कर रहे हैं तो समथिंग लाइक सॉल्वोलिसिस हो जाएगा यहाँ पे और एक जैम डायल बनेगा और इस जैम डायल के अंदर एक वाटर का लॉस होकर के फिर ये एक एल्डिहाइड प्रोड्यूस हो जाएगा। तो इससे भी हमारा बेंजल्डिहाइड बनेगा ही बनेगा। ये एक रोजेनमुंड रिडक्शन रिएक्शन हो गई। तो बेंजोइल क्लोराइड H2PDBsO4 के साथ रिएक्ट करेगा तो रोजेनमुंड रिडक्शन रिएक्शन के अंदर हमें जो है इसी टाइप के एल्डिहाइडी ऑब्टेंड होते हैं। और ये एक एस्टर है, डाइबल एच के साथ रिएक्ट करा रहे हैं तो एस्टर का डाइबल एच से इजीली रिडक्शन हो जाता है और ये वन स्टेप रिडक्शन प्रोसेस होगा। तो एस्टर के रिडक्शन से जो है एक एल्डिहाइड और एक एल्कोहल प्रोड्यूस होगा। तो यहाँ एल्कोहल जो होगा हमारा वो तो मिथेनॉली हो जाएगा और एल्डिहाइड जो है हमारा बेंजल्डिहाइड हो गया। सो ऑल फोर रिएक्शंस कैन बी यूज्ड टू प्रोड्यूस बेंजल्डिहाइड। सो इसका आंसर जो है वो फोर होना चाहिए, नंबर ऑफ रिएक्शंस। सो ऑल फोर रिएक्शंस प्रोड्यूस बेंजल्डिहाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज द मेजर प्रोडक्ट यू इन द फॉलोइंग रिएक्शंस इज। सो ये सिंपल रिएक्शन है, वेरी वेल नोन रिएक्शन है कि फर्स्ट स्टेप में क्या हो रहा है कि फ्रेडल क्राफ्ट एल्काइलेशन हो रहा है। सो प्रोपीन को H प्लस की प्रेजेंस में बेंजीन के साथ हाई प्रेशर पर हीट कर देंगे तो ये फ्रेडल क्राफ्ट एल्काइलेशन हो जाएगा और फ्रेडल क्राफ्ट एल्काइलेशन होकर के ये जो है यू नो दैट कि इसमें जो है लीनियर एल्काइलेटेड बेंजीन तो बनता नहीं है, ब्रांच साइड चेन हो जाता है, रीअरेंजमेंट हो जाता है। तो टी जो होगा हमारा स्ट्रक्चर उसमें आइसोप्रोपाइल बेंजीन बन जाएगा और आइसोप्रोपाइल बेंजीन को जब रेडिकल इनिशिएटर की प्रेजेंस में O2 के साथ रिएक्ट कराएंगे तो ये क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड का फॉर्म हो जाएगा। आइसोप्रोपाइल बेंजीन इज बेसिकली क्यूमीन। सो ये फिनॉल की प्रिपरेशन की एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। सो द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन यू इज क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड, क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड। क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड इज गिवन इन ऑप्शन बी। नाउ इन द फॉलोइंग रिएक्शन मेजर प्रोडक्ट W इज। सो ये तो एक डाइएजोटाइजेशन रिएक्शन हो गई। तो डाइएजोटाइजेशन रिएक्शन के अंदर अगर हम देखते हैं तो हम डाइएजोनियम आयन बना लेंगे और ये डाइएजोनियम आयन जो होगा वो इस फिनोलिक पोजिशंस की ये जो हमारा बीटा नेफ्थॉल है उसकी इस पोजीशन पे मेजर अटैक कर जाएगा। इस पोजीशन पे मेजर अटैक करने का मतलब हुआ कि ये जो हमारा OH वाला जो कार्बन है इस पे प्लस आएगा और वो इसके मेसोमेरिक इफेक्ट से स्टेबलाइज हो जाएगा। तो बेस्ट चॉइस इसके अंदर जो है हमारे पास में दैट इज गिवन इन ऑप्शन नंबर ए। ये जो पोजीशन है इसी पोजीशन पे हमें अटैक करा देना है। सो आंसर इस क्वेश्चन का ए आना चाहिए। तो दैट इज द ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन एक पैराग्राफ बेस्ड है। सो इन द फॉलोइंग रिएक्शन, सो स्टडी कर लेते हैं क्या कह रहा है। तो देखिए ये जो हमारे पास में रिएक्टेंट है C8H6 है,
इसमें डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन अगर हम फाइंड आउट करेंगे तो आई थिंक ये आ जाएगा हमारे पास में 6 डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन आएगा. 6 डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन सजेस्ट प्रेजेंस ऑफ बेंजीन रिंग, और ये जो रिएक्शन है, ठीक है, ये रिएक्शन हमें इंडिकेट कर रहा है प्रेजेंस ऑफ ट्रिपल बॉन्ड. अब रिएजेंट्स को जो है वो आइडेंटिफाई करने की कोशिश करूँ. रिएजेंट्स बिल्कुल बहुत सारे केसेस में हमें स्ट्रक्चर सजेस्ट कर देते हैं. तो यहाँ पे बेसिकली ये जो है वो कुछ लिंडलार्स कैटलिस्ट की प्रेजेंस में जो रिडक्शन होता है उस टाइप का हो गया, एक H2 अटैच हो गया इसके अंदर. और ये जो रिएजेंट है वो भी क्लियरली सजेस्ट कर रहा है कि ये जो हमारा C8H6 है इसके अंदर एक ट्रिपल बॉन्ड है, और इसका बेसिकली यहाँ पे हम एसिड कैटलाइज हाइड्रेशन कर रहे हैं. तो ये जो C8H8O जो है वो एक कीटोनिक टाइप का कंपाउंड है, इसके अंदर जो है वो सी डबल बॉन्ड ओ टाइप का कुछ ना कुछ प्रोड्यूस हो जाएगा. तो ये सी डबल बॉन्ड ओ यहाँ पे कीटोनिक टाइप के कंपाउंड के अंदर हम कंसिडर कर सकते हैं. सो अब हमें यहाँ पे अगर देखते हैं तो एक बेंजीन रिंग हम कंसिडर कर सकते हैं इसके अंदर. तो ये मेरे हिसाब से इसका जो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला हम बनाएंगे, एक बेंजीन रिंग बना लेते हैं इसमें. यहाँ पे ये बेंजीन रिंग नहीं बन रहा है. सो C8H6 जो है हमारा, ठीक है, ये एक टर्मिनल एल्काइन टाइप का हो जाएगा क्योंकि इसमें 8 कार्बन एटम है, 6, 7, 8, और हाइड्रोजन जो है हमारे पास में यहाँ पे 5N6 है. तो C8H6 हो गया. अब इसको जब हम रिएक्ट कराएंगे H2 के साथ में इन प्रेजेंस ऑफ पैलेडाइज्ड बेरियम सल्फेट, तो ये जो है पार्शियल हाइड्रोजनेशन होगा इसका, और पार्शियल हाइड्रोजनेशन से जो प्रोडक्ट बनेगा वो एक स्टाइरीन प्रोडक्ट बन गया. अब इस स्टाइरीन को हम रिएक्ट करा रहे हैं B2H6 के साथ में और फिर एल्कलाइन परोक्साइड के साथ रिएक्ट करा रहे हैं. तो ये हाइड्रोबोरोनेशन ऑक्सीडेशन हो जाएगा. तो यहाँ पे एंटी मार्कोनिकॉप एडिशन ऑफ वाटर बन होगा. सो ये 2-फिनाइल इथेनॉल का फॉर्मेशन हो जाएगा. तो दिस इज द प्रोडक्ट एक्स. नाउ नेक्स्ट स्टेप के अंदर यही जो हमारा रिएक्टेंट है, इस रिएक्टेंट को हम रिएक्ट करा रहे हैं वाटर के साथ इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4 एंड HgSO4 के साथ में. सो यहाँ पे वाटर का सिंपल सा हम कह सकते हैं मार्कोनिकॉप एडिशन होगा, और फिर उसमें टोटोमराइजेशन होने के बाद में ये एसिटोफिनॉन में कन्वर्ट हो जाएगा C8, और इसको हम रिएक्ट करा रहे हैं इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ. और इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ रिएक्ट करा करके फिर वाटर के साथ इसको ट्रीट कर देते हैं. तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, टर्शरी एल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा. तो ये हमारे पास में एक इथाइल ग्रुप यहाँ पे प्लेस्ड है और एक मिथाइल ग्रुप ऑलरेडी इसमें प्लेस्ड था. तो ये एक प्रोडक्ट बन गया. अब इसको हम H+ के साथ हीट कर रहे हैं. देखिए ये स्टैंडर्ड टर्मिनोलॉजी होगी, एक एल्कोहल बन गया H+ के साथ हीट कर गया तो इसका एलिमिनेशन होगा. तो यहाँ पे हम डबल बॉन्ड अगर प्लेस करते हैं तो ये यहाँ से एक 3 डिग्री बेंजाइलिक टाइप का बनेगा, फिर एडजस्टिंग पोजीशन से जो है एक H+ बाहर निकल जाएगा. तो ये एक एल्कीन का फॉर्मेशन होना चाहिए. दिस इज द प्रोडक्ट Y. तो ये वेरियस पॉसिबिलिटीज जो है यहाँ पे. अब आप ऑप्शंस चेक करके, सो एक्स इज, तो एक्स का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला आपके सामने, दिस इज द एक्स. तो इसका आंसर जो है वो सी होना चाहिए. तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा सी है. और मेजर कंपाउंड वाई जो है, मेजर कंपाउंड वाई एक बेसिकली हम कह सकते हैं कि 2-फिनाइल ब्यूट 2-ईन है, 2-फिनाइल ब्यूट 2-ईन. तो ये 2-फिनाइल ब्यूट 2-ईन ऑप्शन डी में गिवन है. सो इसका आंसर हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो गया. तो इजी क्वेश्चन. नेक्स्ट कम टू द क्वेश्चन नंबर 23 फ्रॉम क्वेश्चन पेपर 2016 पेपर 1. सो ऑन कंप्लीट हाइड्रोजनेशन नेचुरल रबर प्रोड्यूसेस. तो आपको पहले देखना होगा कि नेचुरल रबर का स्ट्रक्चर क्या होता है, और उसका कंप्लीट हाइड्रोजनेशन अगर हम कर देंगे तो फिर क्या प्रोडक्ट ऑब्टेन होगा.
सो नेचुरल रबर बेसिकली जो हमारे पास में आइसोप्रीन है उसका एक पॉलीमर है, और आइसोप्रीन ये है हमारे पास में आइसोप्रीन का स्ट्रक्चर। इसका पॉलीमराइजेशन अगर हम करेंगे तो जो नेचुरल रबर प्रोड्यूस होगा उसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ये हो जाएगा। ये जो है रिपीटिंग यूनिट की तरह रहेगा, ये CS3 और ये यहाँ पे। सो दिस इज द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ रिपीटिंग यूनिट फॉर नेचुरल रबर। अब इसका कंप्लीट हाइड्रोजनेशन हमें करना है। तो कंप्लीट हाइड्रोजनेशन का मतलब है ये डबल बॉन्ड जो है यहाँ से हाइड्रोजनेट हो जाएगा। तो अब यहाँ पे जो स्पीसीज बनेगी उसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ये इस टाइप का हो गया। अब ये जो है वो एक न्यू पॉलीमर टाइप का प्रोड्यूस हो गया है। अब ये क्या किस टाइप का पॉलीमर हो सकता है? तो अब हम कह सकते हैं कि यहाँ पे बेसिकली एक ये बॉन्ड हमारा फॉर्म हुआ होगा, एडिशन पॉलीमराइजेशन से प्रोड्यूस हुआ होगा ये। और एडिशन पॉलीमराइजेशन किसका हुआ होगा, इसके लिए हम रिपीटिंग यूनिट को अगर चेक करेंगे तो ये हमारे पास में यहाँ से हटाया, इधर से भी इसको कैंसिल आउट कर देंगे तो डबल बॉन्ड यहाँ पे बन जाएगा CH2, ये डबल बॉन्ड और ये CH3, और इसको यहाँ से हमने सेपरेट कर दिया है तो ये डबल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड। सो जो प्रोपीन है और इथीन है इसके को पॉलीमराइजेशन से ये बनेगा, तो ये बेसिकली हमारा इथाइलीन प्रोपाइलीन को पॉलीमर बन जाएगा। सो ऑन कंप्लीट हाइड्रोजनेशन नेचुरल रबर प्रोड्यूसेस इथाइलीन प्रोपाइलीन को पॉलीमर। तो आंसर इसका ए होना चाहिए, सो दैट इज द ए आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोडक्ट्स ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस इज आर। सो प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस हमें आइडेंटिफाई करना है। सो ये एक एनिलीन है, एनिलीन को एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ आप रिएक्ट करा रहे हो, तो एनिलीन को एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ हम रिएक्ट कराएंगे तो इसका जो है वो एसिटेनिलाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा, साइड चेन प्रोटेक्शन। ये एनिलीन जो NH2 ग्रुप है उसका जो प्रोटेक्शन हम करते हैं उस टाइप की कुछ रिएक्शन हो जाएगी। सो फर्स्ट स्टेप हमारा एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन से हो रहा है, और ये जो एसिटाइलेशन है यूजिंग एसिटिक एनहाइड्राइड और एसिटाइल क्लोराइड टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ पाइरीडीन। सो सम एसिडिक सब्सटेंसेस प्रोड्यूस इन दिस रिएक्शन दैट कैन बी रिमूव्ड इजीली। सो ये डायरेक्टली हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा NH2 है उसका HCO CH3 ग्रुप से रिप्लेस हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट इट इज ट्रीटेड विथ KBrO3 इन प्रेजेंस ऑफ HBr। सो KBrO3 जो है वो एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और HBr जो है वो एक रिड्यूसिंग एजेंट है, तो इन दोनों को जैसे ही हम मिलाएंगे तो कॉम प्रोपोर्शनेशन हो जाएगा और इस कॉम प्रोपोर्शनेशन से Br2 का फॉर्मेशन हो जाएगा। नाउ ये Br2 जो है वो इस एसिडिक मीडियम में एज ए इलेक्ट्रोफाइल इस बेंजीन रिंग पर अटैक कर सकता है, ये ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, बट ये इतना स्ट्रांगली भी एक्टिवेटेड नहीं है कि यहाँ पे पॉलीहेलोजिनेशन हो जाएगा, ये एक माइल्ड एक्टिवेटिंग एजेंट है और हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ब्रोमीन भी नहीं है हमारे पास में, तो ये हमारा प्रोडक्ट बन गया है। अब नेक्स्ट स्टेप के अंदर जो है इसको हम H3O+ के साथ में हीट कर रहे हैं, तो बेसिकली ये एक अमाइड है, इस अमाइड का हाइड्रोलिसिस हमें कर देना है, तो ये जो है यहाँ पे एसिटिक एसिड सेपरेट हो जाएगा और ये NH2 ग्रुप आ गया और ये ब्रोमीन यहाँ पे लगा रहेगा। अब इसी एसिडिक मीडियम के अंदर हम इसको रिएक्ट करा रहे हैं NaNO2 के साथ में, इसको NaNO2 एंड HCl के साथ रिएक्ट करा दिया हमने, और टेम्परेचर सजेस्ट 273 to 278, दैट इज 0 to 5 डिग्री सेल्सियस वाला जो हमारा टेम्परेचर है वही हो गया, तो ये डाइएजोनियम आयन बन जाएगा यहाँ पे N2+Cl- और ये ब्रोमीन रहेगा। एंड दिस डाइएजोनियम सॉल्ट इज ट्रीटेड विथ HBr एंड कॉपर, तो HBr और कॉपर के साथ रिएक्ट कराएंगे तो यहाँ पे ये बेसिकली ब्रोमो डेरिवेटिव प्रोड्यूस हो जाएगा इसका, ठीक है, माइनस N2
रिलिमिनेट हो जाएगा और ये हमारा जो है फाइनल प्रोडक्ट इस रिएक्शन में ऑब्टेन होना चाहिए. सो द प्रोडक्ट प्रोडक्ट्स ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस इज आर, एक ही प्रोडक्ट इसमें ऑब्टेन हो रहा है, मेजर प्रोडक्ट मेनी प्रोडक्ट इस रिएक्शन में ऑब्टेन नहीं हो सकते. देखिए यहाँ पे ये एक ही पॉसिबिलिटी है, एक ही प्रोडक्ट बनेगा, ये हो गया. अब यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो दो पॉसिबिलिटीज थी, ऑर्थो पे और पैरा पे लग जाए, सारी ऑर्थो पोजीशंस पे और सारी पैरा पोजीशंस पे लग जाए. पॉली ट्राइब्रोमो डेरिवेटिव का हम सोच सकते थे, बट एसिटेनिलाइड के अंदर ट्राइब्रोमो डेरिवेटिव नहीं प्रोड्यूस होता है. तो यहाँ पे एक ही पॉसिबिलिटी है, ये भी एक ही पॉसिबिलिटी है, ये भी एक ही पॉसिबिलिटी है और ये भी एक ही पॉसिबिलिटी है. तो इसलिए एक ही प्रोडक्ट पॉसिबल है इस रिएक्शन में, मेनी प्रोडक्ट्स आर नॉट पॉसिबल. और वो जो पॉसिबल प्रोडक्ट है वो ऑप्शन बी में गिवन है, तो आंसर इसका ऑप्शन बी है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉजिटिव टॉलेंस टेस्ट इज ऑब्जर्व फॉर, टॉलेंस टेस्ट इज ऑब्जर्व बाय फॉर एल्डिहाइड, फॉर्मिक एसिड, अल्फा हाइड्रोक्सी, कीटोन, बस इन्हीं के लिए होता है हमारे पास में. तो देखिए ऑप्शन ए जो है हमारा वो एक एल्डिहाइड है, ऑप्शन ए जो है वो एल्डिहाइड है. इसके लिए हम ये मार्क कर सकते हैं कि किस रिएक्शन किसकी वजह से जो है यहाँ पे ये पॉजिटिव टॉलरेंस टेस्ट देगा. तो यहाँ पे पॉजिटिव टॉलरेंस टेस्ट जो आ रहा है वो इस एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप की वजह से आ रहा है. यहाँ पे भी पॉजिटिव टॉलरेंस टेस्ट आएगा, दैट इज बिकॉज ऑफ दिस एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप. और यहाँ पे जो पॉजिटिव टॉलरेंस टेस्ट आएगा बिकॉज ऑफ दिस अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोनिक ग्रुप. तो ये जो अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोनिक ग्रुप है इट्स वेरी मच सेंसिटिव टुवर्ड्स ऑक्सीडेशन, गेट्स ऑक्सीडाइज इजीली. सो ये तीन सुटेबल सबस्ट्रेट्स हैं विच गिव्स पॉजिटिव टॉलरेंस टेस्ट. लेकिन यहाँ पे ये कीटोन है, इस कीटोन का कोई भी इस टाइप का पॉजिटिव टेस्ट टॉलरेंस रिएजन के साथ नहीं ऑब्जर्व होगा. सो आंसर इसका ए बी एंड सी होना चाहिए. तो ए बी एंड सी इज द करेक्ट चॉइस फॉर दिस क्वेश्चन. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 इज द करेक्ट स्टेटमेंट्स अबाउट द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस इज आर. ये कुछ रिएक्शन सीक्वेंस दे रखी है और इन पर बेस्ड फिर हमें यहाँ पे कुछ करना है. तो देखिए प्रोडक्ट आइडेंटिफाई करके और मेनली जो है यहाँ पे कुछ उनकी जो प्रैक्टिकल्स इन्वॉल्व इन केमिस्ट्री है उसी टाइप का कुछ डिस्कशन यहाँ पे हो रहा है. सो क्यूमीन यू नो वेरी वेल इज आइसोप्रोपाइल बेंजीन. तो ये हमारे पास में क्यूमीन है. इस क्यूमीन को हमने रिएक्ट करा दिया है O2 के साथ और फिर इसका हमने H3O+ के साथ ट्रीटमेंट कर दिया है. तो स्टेप बाय स्टेप कर लेते हैं. क्यूमीन को जब आप O2 के साथ रिएक्ट कराएंगे तो क्यूमीन हाइड्रोपरोक्साइड का फॉर्मेशन होगा. तो ये क्यूमीन हाइड्रोपरोक्साइड का फॉर्मेशन हो गया है और क्यूमीन हाइड्रोपरोक्साइड को जब आप H3O+ के साथ रिएक्ट करा देंगे तो एक वेल नोन रिएक्शन हो जाती है ना, एसिड कैटलाइज रीअरेंजमेंट ऑफ क्यूमीन हाइड्रोपरोक्साइड. तो इसके अंदर बेसिकली जो है हमारा एक तो ये परोक्साइड वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाता है और ये एसीटोन बीच में से बाहर निकल आएगा और ये प्रोडक्ट बन गया फिनॉल. ठीक है, तो और एक साथ में जो है हमारा बाई प्रोडक्ट एसीटोन का फॉर्मेशन हो गया. ये जो है वो प्रोडक्ट पी है. अब इस प्रोडक्ट पी को जो है हम रिएक्ट करा रहे हैं क्लोरोफॉर्म एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में. तो इसकी रिएक्शन क्लोरोफॉर्म एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ हो रही है. तो दो प्रोडक्ट बन जाएंगे. ये रिमर्टीमन टाइप की रिएक्शन हो गई है. तो रिमर्टीमन टाइप की रिएक्शन के अंदर ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल डिहाइड दैट इज सेलिसल डिहाइड एंड पैरा डेरिवेटिव ऑब्टेंड हो जाएंगे. तो ये जो है दो प्रोडक्ट बन गए यहाँ पे. ये जो प्रोडक्ट है हमारा वो मेजर प्रोडक्ट होगा और ये जो है वो माइनर प्रोडक्ट फॉर्म होगा. यू नो वेरी वेल सो मेजर प्रोडक्ट इज क्यू एंड माइनर प्रोडक्ट इज आर. नाउ मेजर प्रोडक्ट क्यू जो है वो फर्दर एक रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है. तो मेजर प्रोडक्ट क्यू को फर्दर हम रिएक्ट करा रहे हैं. तो ये NaOH के साथ रिएक्ट कर रहा है. NaOH के साथ रिएक्ट करने से इसका दो पॉसिबल केसेस हो सकते हैं कि एक तो ये जस्ट एसिड बेस टाइप की रिएक्शन हो जाए और साथ में यहाँ पे जो है वो इंट्रामोलिक ये एल्डोल कंडेंसेशन टाइप का भी हो जाए. बट यहाँ पे ये एग्जामिनर सजेस्ट कर रहा है कि इसको हमने बेंजाइल ब्रोमाइड के साथ रिएक्ट करा दिया. तो अब इंट्रा ये जो एल्डोल कैनिजारो रिएक्शन कराएंगे तो उसमें तो कोई ऐसी पॉसिबल रिएक्शन होगी नहीं कि प्रोडक्ट जो बनेगा वो इसके साथ रिएक्ट करेगा. तो डायरेक्टली ये सिंपल
एसिड बेस रिएक्शन के बेसिस पे ही कुछ यहाँ पे क्वेश्चन होगा. तो ये सिंपल सा यहाँ पे एक विलियमसन सिंथेसिस टाइप का पार्ट हो गया. सो दिस इज एस. तो ये वेरियस सब्सटेंसेस हमने आइडेंटिफाई कर लिए. अब यहाँ पे देखेंगे तो इसके अंदर बेसिकली हमारे पास में इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी यहाँ पे. और इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग मेक इट स्टीम वोलेटाइल. वीकर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होंगे सो इजीली कम्स आउट विथ स्टीम, गेट बॉइल्ड व्हेन कम इन कॉन्टेक्ट विथ स्टीम. सो ये मेजर प्रोडक्ट हमारा स्टीम वोलेटाइल हो गया. और ये बेसिकली फिनोलिक कंपाउंड है एंड फिनोलिक कंपाउंड जो है दैट प्रोड्यूस वॉयलेट कलरेशन विथ न्यूट्रल FeCl3. सो यहाँ पे ये OH है और ये यहाँ पे OH है. सो बेसिकली हम कह सकते हैं कि ये वॉयलेट कलरेशन विथ न्यूट्रल FeCl3 सॉल्यूशन 1% एक्वस FeCl3 सॉल्यूशन 1% एक्वस FeCl3 सॉल्यूशन. सो आप ऑप्शंस को चूज कर सकते हो कि क्या है क्या नहीं. और यहाँ पे ये जो है बेसिकली एक एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप है, ये भी एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप है, ये भी एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप है, ये भी एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप है. तो एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप का केमिकल टेस्ट यहाँ पर जो है येलो प्रेसिपिटेट विद 2,4-dinitrophenylhydrazine. सो ऑल दीज प्रोड्यूस येलो PPT with 2,4-DNP, yellow precipitate with 2,4-DNP. तो अब चेक कर लीजिए, R is steam volatile, R is not steam volatile, so option A is not the correct. Q gives dark violet coloration with 1% aqueous FeCl3 solution. Q is a phenolic compound, so it gives dark violet coloration with 1% aqueous FeCl3 solution. So B is correct. S gives yellow precipitate with 2,4-dinitrophenylhydrazine. So this is S, an aldehyde compound. So it gives yellow precipitate. And S gives dark violet coloration with 1% aqueous FeCl3 solution. So basically S is not a phenolic compound. So no violet coloration with 1% aqueous FeCl3 solution. So correct answer for this question is not A, B, C and not D. So next question is, in the following monobromination reaction, the number of possible chiral products is. So very good question. So yahan pe dekhiye is question ke andar basically already hamare paas mein ek optically pure compound de rakha hai. जब इस कार्बन पर हम रिएक्शन कराएंगे मोनोब्रोमिनेशन, तो यहाँ से जो है हमारा प्रोडक्ट जो बनेगा वो ऑप्टिकली एक्टिव बनेगा और एक ही प्रोडक्ट बनेगा, क्योंकि कोई ऑलरेडी जो हमारा कार्बन काइरल था उसी के रेस्पेक्ट में हम कहेंगे ना. अब यहाँ पे जब रिएक्शन होगी तो इससे हमारा जो कार्बन प्रोडक्ट जो बनेगा वो काइरल नहीं होगा, क्योंकि उसमें काइरल कार्बन एटम भी नहीं होगा. तो इसको छोड़ दीजिए ना. यहाँ पे जब हम रिएक्शन कराएंगे तो इसके अंदर बेसिकली ये कार्बन काइरल हो जाएगा. तो दो प्रोडक्ट यहाँ से आ जाएंगे, ठीक है. और यहाँ पे जब हम रिएक्शन कराएंगे तो इसमें भी ये कार्बन काइरल होगा और दो प्रोडक्ट बन जाएंगे, लेकिन एक में जो है सिमेट्री की पॉसिबिलिटी आ जाएगी. तो यहाँ से बेसिकली एक प्रोडक्ट होगा हमारा काइरल, यहाँ से अगर हम देखेंगे तो दो प्रोडक्ट होंगे हमारे काइरल, ठीक. यहां से अगर हम देखेंगे तो प्रोडक्ट तो दो बन रहे हैं, लेकिन एक में प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी तो हम एक ही को कंसीडर करेंगे. और यहां पे अगर हम देखेंगे तो इसके अंदर बेसिकली कोई न्यू काइरल कार्बन एटम तो क्रिएट नहीं हो रहा है, ठीक है. और न्यू काइरल कार्बन एटम क्रिएट नहीं हो रहा है, बट ये जो ऑलरेडी हमारा कार्बन काइरल होगा वो रहेगा ही रहेगा, तो एक प्रोडक्ट काइरल और बन जाएगा. सो टोटल प्रोडक्ट एक्सपेक्टेड जो है 1, 2, 3,
4 एंड 5. सो 5 प्रोडक्ट्स आर एक्सपेक्टेड इन दिस रिएक्शन. तो ये तो एक सिंपल मैंने जस्ट डायरेक्ट एनालिसिस से ही बता दिया. मैं यहाँ पे स्ट्रक्चर ड्रॉ करके भी बता सकता हूँ आपको कि ये क्या है, ऐसा क्यों हो रहा है. सो ये जो भी हमारे पास में रिएक्टेंट है, तो इसमें जो भी हमारा यहाँ पे फर्स्ट इस कार्बन पे ये 1 नंबर है, ये 2 नंबर है, ये 3 नंबर है, ये 4 नंबर है, ये 5 नंबर है, सारे कार्बन के पास में हाइड्रोजन एटम्स हैं. तो किसी भी हाइड्रोजन एटम को आप ब्रोमीन से डिस्प्लेस करके प्रोडक्ट बना सकते हो. तो हमने फर्स्ट कार्बन के हाइड्रोजन को ब्रोमीन से डिस्प्लेस किया, सब्स्टिट्यूशन किया, तो ये हमारा प्रोडक्ट बन गया. इस प्रोडक्ट में ये कार्बन काइरल है, सो दिस इज ऑप्टिकली एक्टिव. नाउ सेकेंड कार्बन के हाइड्रोजन को अगर हम ब्रोमीन से डिस्प्लेस कर देते हैं, तो ये जो भी हमारा एक कार्बन था इसकी काइरलिटी डिस्ट्रॉय हो जाएगी. अब ये कार्बन काइरल नहीं रहेगा, तो ये जो है वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, नॉट काइरल. ये जो है वो हमारा काइरल प्रोडक्ट है. नाउ नेक्स्ट जो है हमारे पास में थर्ड कार्बन एटम को अगर हम ले लेते हैं, तो थर्ड कार्बन एटम ऑल्सो बिकम काइरल कार्बन एटम. नाउ अब थर्ड कार्बन एटम के रिस्पेक्ट में जो है वो दो स्ट्रक्चर्स बन जाएंगे. थर्ड कार्बन एटम के रिस्पेक्ट में दो स्ट्रक्चर्स बन जाएंगे, लेकिन इस कार्बन का कॉन्फिग्रेशन जो है वो हमें चेंज नहीं करना है. एक ये डाइस्टीरियोमेरिक मिक्सचर बनेगा. ये दो प्रोडक्ट बन गए और ये दोनों ही जो है वो बेसिकली काइरल है. नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट स्ट्रक्चर जो हम बनाएंगे उसके अंदर अगर हम देखेंगे यहाँ पे, तो ये हमारे पास में मैं यहाँ बना देता हूँ. सो फोर्थ कार्बन पे हमें जो है वो प्लेस करना है. फोर्थ कार्बन जो है वो भी हमारा काइरल हो जाएगा. इसके रेस्पेक्ट में भी दो स्ट्रक्चर्स बनेंगे. इसके रिस्पेक्ट में हम स्ट्रक्चर्स बना रहे हैं, तो यहाँ पे इसके रिस्पेक्ट में स्ट्रक्चर्स जब हम बनाएंगे, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन हमें चेंज करना होगा. ये बेसिकली एपीमर्स टाइप के प्रोड्यूस हो रहे हैं. बेस्ट है बेसिकली डाइस्टीरियोमर्स टर्म, बट ये जो है इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री आ गई है यहाँ पे, सो नॉट काइरल. इसमें कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, सो दिस इज काइरल. और लास्ट जो हमारा स्ट्रक्चर बनेगा वो फिफ्थ कार्बन के ब्रोमिनेशन से बन जाएगा. तो इसमें फोर्थ और थर्ड एज इट इज रहेंगे, और ये हमारा जो ओरिजिनली काइरल कार्बन एटम था उसकी काइरलिटी मेंटेन रहेगी, एंड प्रोडक्ट ऑब्टेंड इज ऑल्सो काइरल प्रोडक्ट. सो नंबर ऑफ काइरल प्रोडक्ट्स एक यहाँ पे बन रहा है और दो यहाँ पे बन रहे हैं, ठीक है. एक यहाँ पे बन रहा है और एक यहाँ पे बन रहा है. सो 1+2+1+1 = 5. सो इन द फॉलोइंग मोनोब्रोमिनेशन रिएक्शन द नंबर ऑफ पॉसिबल काइरल प्रोडक्ट इज 5. पॉसिबल काइरल प्रोडक्ट्स आर द आंसर. तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन, करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिटी फॉर द फॉलोइंग कंपाउंड्स इज. तो करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिटी हमें फाइंड आउट करना है. तो करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिटी के अंदर अगर देखेंगे यहाँ पे, तो देखिए ये ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड है, तो ऑर्थो इफेक्ट लग जाएगा और बिल्कुल डबल ऑर्थो इफेक्ट लग रहा है यहाँ पे. तो डबल ऑर्थो इफेक्ट की वजह से इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा हो जाएगी. इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी होगा, तो ये हमारा जो फर्स्ट है वो मोस्ट एसिडिक होगा. मोस्ट एसिडिक, तो मोस्ट एसिडिक तो ऑप्शन नंबर ए में है और ऑप्शन नंबर डी के अंदर है, ठीक है. यहाँ पे सेकंड जो होगा दैट इज आल्सो मोर एसिडिक. ऑर्थो इफेक्ट की वजह से हम कह सकते हैं यहाँ पे ऑर्थो इफेक्ट जो है, अगेन इसको यहाँ पे अमंग वेरियस सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड, ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड आर मोस्ट एसिडिक बिकॉज ऑफ ऑर्थो इफेक्ट. सो 1 इज मोस्ट एसिडिक फॉलोड बाई 2. तो आंसर तो हमारा आ गया यहाँ पे ए. आंसर हमारा सिंपल सा हमें दिखाई दे रहा है कि ए जो होगा हमारा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा.
अब थर्ड एंड फोर्थ में अगर आप कंपेयर करोगे तो यहाँ पे इस OH ग्रुप का जो है वो क्लियरली कोई मिजोमेरिक इफेक्ट ऑपरेट नहीं हो रहा है, दैट इज ओनली माइनस आई इफेक्ट, सिर्फ माइनस आई इफेक्ट इसका हम यहाँ पे कंसिडर कर सकते हैं। तो माइनस आई इफेक्ट के बेसिस पे हम कह सकते हैं कि ये ज़्यादा होगा। और इस OH का अगर हम देखेंगे यहाँ पे तो प्लस एम इफेक्ट लगेगा, तो प्लस एम इफेक्ट जो होगा बेसिकली इसको लेस एसिडिक बना देगा। तो ये प्लस एम इफेक्ट इस OH ग्रुप का यहाँ पे आ रहा है, तो प्लस एम इफेक्ट ऑफ OH ग्रुप मेक इट लेस एसिडिक। तो फोर्थ जो है वो लीस्ट एसिडिक होना चाहिए एंड फर्स्ट जो है वो मोस्ट एसिडिक होना चाहिए। तो इसके बेसिस पे हमारा जो है आंसर ए आंसर बन जाता है। तो आंसर इज ए फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन सिक्वेंस इज, ये हमारे पास में एक कार्बोनिल कंपाउंड गिवन है और इस कार्बोनिल कंपाउंड का जो है मेजर प्रोडक्ट क्या होगा ये हमें आइडेंटिफाई करना है। सो इस कार्बोनिल कंपाउंड के पास एक अल्फा हाइड्रोजन एटम है और इसको हम फॉर्मल्डिहाइड के साथ रिएक्ट करा रहे हैं। फॉर्मल्डिहाइड एक्सेस में है, NaOH की प्रेजेंस में हीट भी किया जा रहा है, तो ये बेसिकली एक इंटरमोलिकुलर एल्डोल कंडेंसेशन टाइप की रिएक्शन हो जाएगी। इंट्रामोलिकुलर तो यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, एक ही अल्फा हाइड्रोजन एटम है और इंटर और इंट्रा में कॉम्पिटिशन अगर हम चेक करते हैं तो जो हमारा इंटरमोलिकुलर एल्डोल कंडेंसेशन है वो सिग्निफिकेंट अमाउंट में होगा, इंटरमोलिकुलर सिग्निफिकेंट अमाउंट में होगा। तो ये फॉर्मल्डिहाइड के साथ हमने रिएक्ट करा दिया इन प्रेजेंस ऑफ NaOH। तो ये यहां से बेसिकली अल्फा हाइड्रोजन एटम बाहर आएगा और कार्बेनाइन बनेगा और ये कार्बेनाइन एज ए न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन पर अटैक करेगा, ये बाहर चला जाएगा, फिर एसिडिफिकेशन वगैरह होगा और ये सारा जो है सॉल्वेंट से H प्लस आयन एक्सेप्ट कर लेगा। CH2OH यहां पे प्लेस हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट स्टेप के अंदर इसको ऐसे बना लेते हैं। नेक्स्ट स्टेप के अंदर ये जो हमारे पास में कंपाउंड है, ठीक है, अगेन ट्रीटेड विथ फॉर्मल्डिहाइड बट नाउ इन प्रेजेंस ऑफ, अच्छा अब एक स्टेप यहाँ पे और हो सकता है कि ये फॉर्मल्डिहाइड के साथ फर्दर रिएक्ट करेगा OH माइनस की प्रेजेंस में। तो अब यहाँ पे अगर हम देखेंगे कि ये हमारे पास में एक कार्बोनिल कंपाउंड है और ये भी एक कार्बोनिल कंपाउंड है, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से बेसिकली वी कैन थिंक अबाउट क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन। तो यहां पे भी बेसिकली ये एक टाइप का क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन हो रहा है, ठीक है, क्रॉस एल्डोल रिएक्शन, डबल बॉन्ड नहीं बन पा रहा, कंडेंसेशन नहीं हो रहा है। सो ड्यूरिंग क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन इफ वन ऑफ द एल्डिहाइड इज फॉर्मल्डिहाइड देन वी ऑलवेज गेट सॉल्ट ऑफ फॉर्मिक एसिड। तो ये फॉर्मिक एसिड का सॉल्ट बन जाएगा और ये जो हमारा है वो रिड्यूस हो जाएगा एल्कोहल के अंदर। ये बिल्कुल उसी टाइप की रिएक्शन है, आपको थोड़ा लगेगा कि यार कीटोन में कैसे करा रहे हैं, तो जैसे इसके अंदर भी हम इंट्रामोलिकुलर कराते हैं यहाँ पे इसकी रिएक्शन की वजह से, तो उसी से जस्ट रिलेटेड टाइप का है ये। तो ये जो है इंटरमोलिकुलर ये क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन हो गई, ये ऑक्सीडाइज हो गया और ये हमारा जो है वो रिड्यूस हो गया। अब इस कंपाउंड की जो रिएक्शन है वो फॉर्मल्डिहाइड के साथ हो रही है फर्दर, बट नाउ इन प्रेजेंस ऑफ H प्लस एस कैटलिस्ट। तो देखिए ये एक 1,3 डायोल बन गया है और 1,3 डायोल जब कार्बोनिल कंपाउंड के साथ रिएक्ट करते हैं तो साइक्लिक एसिटल का फॉर्मेशन हो जाएगा और 6 मेंबर साइक्लिक एसिटल का फॉर्मेशन हो गया यहाँ पे। तो ये जो है O CH2 O, सो इस टाइप का कुछ प्रोडक्ट बनना चाहिए। So that is given in option, check करो देखो कौन सा option है, yes option A में given है ये। So इस question का answer हमारा A होना चाहिए and that is the answer A। Next question is about invert sugar. करेक्ट स्टेटमेंट इज आर गिवन स्पेसिफिक रोटेशंस ऑफ प्लस सुक्रोज प्लस माल्टोज
L minus glucose and L plus fructose in aqueous solutions are plus 66 degree, plus sucrose ka plus 66 degree hai, and plus maltose ka plus 140 degree hai, aur L minus glucose ke liye minus 52 degree hai, aur L plus fructose ke liye plus 92 degrees hai. So, hum hame batana ki ye kya ho raha hai. So, you know that sucrose on hydrolysis in presence of acid as a catalyst produce equimolar mixture of glucose and fructose. Equimolar mixture of glucose and fructose. So, invert sugar is prepared by acid catalyzed hydrolysis of maltose? No. Invert sugar is prepared by acid catalyzed hydrolysis of sucrose. So, option A is not correct. Invert sugar is an equimolar mixture of D plus glucose and D minus fructose. That is the true option. Specific rotation of invert sugar is minus 20 degree. देखिए यहाँ पे ये इन्वर्ट सुगर बेसिकली इक्वीमोलर मिक्सचर ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज है. तो ग्लूकोज डी प्लस ग्लूकोज का जो स्पेसिफिक रोटेशन है ये हो जाएगा हमारे पास में प्लस 52 डिग्री, क्योंकि एल माइनस ग्लूकोज का गिवन है क्वेश्चन के अंदर. देखिए ध्यान से नोटिस करिए कि ये जो हमारे पास में गिवन है वैल्यू, ये जो वैल्यू गिवन है वो एल माइनस ग्लूकोज के लिए गिवन है. और वॉट वी नीड एल प्लस D प्लस ग्लूकोज के लिए, तो D प्लस ग्लूकोज के लिए ये प्लस हो जाएगा ये वैल्यू जो है वो प्लस हो जाएगा D प्लस ग्लूकोज के लिए. ठीक है, तो D प्लस ग्लूकोज के लिए ये वैल्यू हम यूज कर सकते हैं. सिमिलरली जो L प्लस फ्रक्टोज है उसके लिए दे रखा है प्लस 92 डिग्री, तो ये जो है D माइनस फ्रक्टोज के लिए जो है ये वैल्यू हो जाएगी वो बेसिकली माइनस में हमें कंसिडर करनी होगी. तो अब दोनों का इक्विमोलर मिक्सचर है, तो नेट रोटेशन जो दो मोल का होगा वो समथिंग माइनस 40 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, 40 डिग्री नॉट सेल्सियस सॉरी, सो 40 डिग्री हो जाएगा. और 40 डिग्री दो मोल के लिए, तो पर मोल जो स्पेसिफिक रोटेशन का मतलब यूनिट क्वांटिटी के लिए पर मोल ऑफ द मिक्सचर हमें देखना, तो 20 डिग्री आ जाएगा. तो सी ऑप्शन भी करेक्ट होगा. ऑन रिएक्शन विद बी आर टू वाटर एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा, कैन ऑक्सीडाइज ओनली एल्डिहाइड ग्रुप. सो एल्कोहलिक ग्रुप को ये ऑक्सीडाइज नहीं कर सकता. सो ऑन रिएक्शन विद बी आर टू वाटर इनवर्ट सुगर फॉर्म सैकरिक एसिड. सैकरिक एसिड के अंदर बेसिकली एल्डिहाइडिक ग्रुप और जो सिक्स कार्बन का जो टर्मिनल CH2OH प्राइमरी एल्कोहलिक ग्रुप है वो भी ऑक्सीडाइज हो जाता है. बोथ आर ऑक्सीडाइज, सो हियर ओनली वन इज ऑक्सीडाइज. सो इंस्टेड ऑफ सैकरिक एसिड वी विल गेट ग्लूकोनिक एसिड. सो ऑन रिएक्शन विद बी आर टू वाटर इनवर्ट सुगर फॉर्म सैकरिक एसिड एज वन ऑफ द प्रोडक्ट? नो. Invert sugar form gluconic acid as one of the product. Only one is oxidized. So answer D cannot be the option. D cannot be the answer. Only B and C are the correct choices for this question. So next question suggests is based on reagents which can be used to bring about the following transformations. So ye hamare paas mein ek पॉलीफंक्शनल ऑर्गेनिक कंपाउंड गिवन है और इसको हमें कीमो सेलेक्टिवली एक पर्टिकुलर रिएजेंट में कन्वर्ट करना है. तो कीमो सेलेक्टिवली एक पर्टिकुलर रिएजेंट में अगर कन्वर्ट करना है तो क्या हो रहा है यहाँ पे देखिए कि ये बेसिकली हमारे पास में जो एक एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है, इस एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप का रिडक्शन हो रहा है. और एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप का जो रिडक्शन है वो एक प्राइमरी एल्कोहल के अंदर हो रहा है और किसी भी ग्रुप का रिडक्शन नहीं हो रहा है. यहाँ पे एस्टर का रिडक्शन नहीं हो रहा है, ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है इसका रिडक्शन नहीं हो रहा है, और ये जो इपॉक्साइड कैन ऑल्सो बी रिड्यूस्ड इसका नहीं हो रहा है. तो देखिए जो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इज नॉट सुटेबल, इट कैन रिड्यूस ऑल द फंक्शनल ग्रुप ऑफ दिस रिएक्टेंट. सो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इज नॉट द बेस्ट ऑप्शंस. नाउ ये जो BH3 है that can't be used again because it also reduces most of the reducible functional groups. तो इसको भी हम consider नहीं करेंगे. BH3 in THF को भी consider हमें नहीं करना है. Now अब यहाँ पे जो है NaBH4 तो एक best choice होगा ही होगा because it specifically reduces aldehyde and ketone, not any other acid derivatives. But ये जो Rene Nickel and H2 है, ठीक है, so Rene Nickel and H2 जो है वो हम मोस्ट ऑफ द फंक्शनल ग्रुप को रिड्यूस करने के लिए कर सकते हैं. बट एक सिचुएशन यहाँ पर ये है कि बेसिकली ये जो हमारे पास में एस्टर जो है और कार्बोक्सिलिक एसिड जो है, ठीक है, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू रिड्यूस एसिड डेरिवेटिव्स बाय यूजिंग हाइड्रोजनेशन. हाइड्रोजनेशन से इनका रिडक्शन बहुत डिफिकल्ट होता है, तो हम प्रिफर नहीं करते हैं कि इनका रिडक्शन जो है वो हाइड्रोजनेशन से हम करते हैं. तो यहाँ पर बेसिकली, ठीक है, तो एसिड एंड एसिड डेरिवेटिव विल नॉट बी रिड्यूस्ड बाय Rene Nickel and H2, बट दिस एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप कैन बी इजीली रिड्यूस्ड.
एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप कैन बी इजिली रिड्यूस. सो इन माई ओपिनियन इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो सी तो परफेक्टली है ही है. डी जो है बस थोड़ा सा मतलब इसमें एक सिचुएशन है कि सिचुएशन ये है कि बेसिकली एसिड एंड एसिड डेरिवेटिव्स आर नॉट रिड्यूस्ड बाय नॉट प्रिफर्ड टू रिड्यूस्ड बाय हाइड्रोजनेशन. इट्स वेरी डिफिकल्ट टू रिड्यूस देम. तो ये जस्ट मतलब वेरी डिफिकल्ट इन दिस केस. तो इसका वाला एक इजीली रिड्यूसेबल ग्रुप है तो ये जो इजीली रिड्यूसेबल ग्रुप जो है वो रिड्यूस हो जाएगा एंड वी विल गेट डिजायर्ड प्रोडक्ट. सो वी गो विथ डी ऑल्सो. तो इसका आंसर मेरे हिसाब से सी एंड डी होना चाहिए. सो दैट इज द करेक्ट आंसर. तो यहाँ पे नाउ यू कैन मेक योर नोट्स लाइक इट्स वेरी डिफिकल्ट टू रिड्यूस एसिड एंड एसिड डेरिवेटिव बाय कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन. सो इन प्रेजेंस ऑफ इजिली रिड्यूसेबल फंक्शनल ग्रुप एसिड एंड एसिड डेरिवेटिव विल नॉट बी रिड्यूस्ड बाय कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन. सो ये हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 31 जो है कंप्लीट हो गया. सो इस वीडियो को मैं यहीं पे रोकता हूँ. तो नेक्स्ट जो है अब हमारे पास में ऑलमोस्ट 2016 पेपर के क्वेश्चंस हो चुके हैं. कुछ क्वेश्चंस रह गए हैं तो 16, 17 और 18 के क्वेश्चंस जो है वो आप नेक्स्ट वीडियो में वॉच करिए. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.